दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि कैसे आप एक स्क्रॉलेबल एंड रिस्पॉन्सिव कोड बॉक्स बना सकते हो, कुछ ऐसा आप देख सकते हो जैसा यहाँ पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बिल्कुल पूरा आपको फ्रॉम स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे आपको इसे डिज़ाइन करना है, क्या करना होगा इसके लिए, आपको पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि किस तरीके से आप एक रिस्पॉन्सिव एंड स्क्रॉलेबल कोड बॉक्स कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नया फोल्डर क्रिएट करने वाले और उसी के अंदर सारे अपने कोड्स होंगे। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसका कोड बॉक्स ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। और फिर इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं दिखता है तो मैंने जो VS Code को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे सेटअप करें, वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बताया कि ये ऑप्शन कैसे आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो हमारा ये जो VS Code है वो ओपन हो गया और एक नया फोल्डर इसलिए ओपन कर रहा है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और डायरेक्टली कोई नया कोड लिखना स्टार्ट कर दोगे तो ये जो लाइव सर्वर है ना वो काम नहीं करता है। तो वो चाहता है कि कोई आपका एक वर्क स्पेस में हो या फिर किसी फोल्डर में कोई फाइल रखी हो तो वही ये VS Code जो है उसको समझ पाता है। यहाँ से एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। तो हमें एक नया फाइल क्रिएट करना है, जस्ट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम index.html लिखेंगे। और ये index.html अगर आप नहीं लिखते हो, मतलब इंडेक्स जो है ये नहीं लिखते हो, तो ये जो इसका लाइव सर्वर है वो समझ नहीं पाता कि किस पहले किस पेज को हम करें। आप बाद में ये इंडेक्स को चेंज कर सकते हो, इसका नाम कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यही रखना है। तो यहाँ पे जस्ट एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना है, इमिट एब्रिवेशन से पूरा इसका एक बॉयलर प्लेट मिल जाएगा। मतलब जो शुरुआती कोड ये तो होना ही चाहिए एक HTML कोड के अंदर, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है इजीली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टाइटल इसका चेंज कर दिया कोड बॉक्स और इस बॉडी के अंदर अपना सारा लॉजिक होने वाला है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्री टैग का यूज़ करने वाले, यानी कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो होता क्या कि प्री टैग के अंदर अगर आप इसके अंदर कोई सा भी कोड लिखते हो, मतलब कोई भी एक वर्ड लिखते हो जिस तरीके से स्पेस देके या फिर जिस भी तरीके से लाइन ब्रेक करके, तो सारी चीज़ें एज इट इज़ आपको ब्राउज़र शो कर देता है वैसे जैसे आपने लिखा हुआ है उस सोर्स कोड के अंदर। लेकिन अगर आप यही काम जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, यही काम अगर आप किसी पैराग्राफ टैग के साथ करते हो या फिर पीपी टैग के अलावा किसी और टैग के साथ करते हो, तो ये क्या कर सकता है, HTML जो कोड है उस चीज़ को अवॉइड कर देता है। और इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल, तो उस चीज़ों को ये अवॉइड कर देता है और सबको एक लाइन में डाल देगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक पैराग्राफ मैंने लिखा और इसको पूरा बिना एक लाइन ब्रेक के ये पूरा एक ही लाइन में डाल दिया। तो इस वजह से जो है जो कोड बॉक्स होता है उसमें प्री टैग का यूज़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इससे आपका जो जिस तरीके से आप HTML कोड लिखते हो लाइन ब्रेक के साथ और स्पेसिंग के साथ, वो सारा चीज़ एकदम एज इट इज़ दिखने वाला है। तो इसी वजह से हम प्री टैग का यूज़ करेंगे। फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे एक इसको हटाते हैं और एक प्री टैग के अंदर एक हम क्लास बना देते हैं माई कोड बॉक्स का, ताकि हम इस क्लास की मदद से इस प्री टैग के ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया प्री टैग, जिसके अंदर हम अपना पूरा लॉजिक दिखने वाला है, मतलब जो भी हमारा कोड होगा वो सारा कोड इसी प्री टैग के अंदर ही होगा जो कि हमें दिखाना है एक कोड बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। इसके ऊपर हम एक लेबल क्रिएट करेंगे जस्ट नेम के लिए कि इस जो कोड बॉक्स है उसका क्या नाम होगा। तो यहाँ पे इस लेबल में भी एक क्लास क्रिएट करेंगे ताकि हम इस लेबल के ऊपर भी एक स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे मैं कोड लेबल करके जस्ट इसका नाम लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट इसका नाम लिख दे रहा हूँ HTML कोड, ठीक है। और फिर इन दोनों को एक डिव सेक्शन में हम पैक कर देंगे। वो इसलिए करेंगे ताकि इसमें हम जो स्टाइलिंग अप्लाई करें वो एकदम सटीक रहे और कोई ऐसा नहीं कि लेबल कहीं और भाग जाए, प्री टैग कहीं और भाग जाए। तो इस चीज़ को एक पैकेट में हम बंद कर देंगे डिव टैग के अंदर, ठीक है। तो कोड एरिया क्लास का नाम मैंने दे दिया डिव सेक्शन के अंदर और इन दोनों के अंदर हमारा ये एक लेबल टैग और एक प्री टैग है। तो अब बात आती है, हमने तो क्लास क्रिएट कर दिया और सब कुछ क्रिएट कर दिया, अब बात आती है इसमें स्टाइलिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं जो कि हम एक हेड टैग के अंदर यूज़ करते हैं स्टाइलिंग टैग का यूज़ करके। आप इन लाइन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं बट लेकिन वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो या फिर एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे तो भी हो जाएगा आप काम। तो यहाँ पे तीन तरीके से आप CSS अप्लाई कर सकते हैं किसी टैग के ऊपर, एक इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे हम इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले जो कि हेड टैग के अंदर स्टाइलिंग टैग का यूज़ करके किया जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक कोड एरिया बना दिया कि इसके अंदर हमने कोड एरिया यानी कि डिव सेक्शन जो हमारा है उसकी लॉजिक का मतलब यहाँ पे जो सी एस एस अप्लाई करेंगे, और एक कोड लेवल के लिए, और एक जो हमारा माई कोड बॉक्स है इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, मतलब ये जो कोड लेवल है, और यहाँ पे हमारा जो माई कोड बॉक्स है यानी कि जो प्री टैग हमारा है उसके अंदर सी एस एस अप्लाई करने के लिए मैंने एक नया पे यूज़ कर लिया क्लास सेलेक्टर का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कोड एरिया होगा उसको हम सबसे पहले अब इसको हम देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा ये दिखता है। पहले तो अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट दिख रहा है फिलहाल हमें, मतलब HTML कोड, फिर नीचे हमारा जो HTML कोड का जो लॉजिक है वो सारी चीज़ें हमारे कोड बॉक्स में दिख रही है। तो यहाँ पे हम डिव सेक्शन के अंदर इसका पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। तो क्या हुआ, ठीक है, इसका आउटपुट देखते। ओके, मतलब कोई भी चीज़ इसमें हुई नहीं फिलहाल। ओके, ये जो मेरे कोड लेवल के अंदर नहीं करना है हमें, ये जो यहाँ से मैं कट करूँगा कोड एरिया के अंदर यानी कि जो मेरा डिव सेक्शन है उसके अंदर करना है। अब कोड लेवल में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कोड लेवल दिखने में थोड़ा अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं जो कि लाइट ग्रे होगा, और आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो, और कलर वलर चूज़ करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ का 60 पिक्सल रखता हो, आप चाहे अपने हिसाब से फॉन्ट साइज ऊपर नीचे बड़ा छोटा जो भी करना बाद में कर सकते हो। और फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे मोनोस्पेस यूज़ करूँगा ताकि मतलब कोड से थोड़ा मैच हो जाए, क्योंकि प्री टैग के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट फैमिली होता है वो मोनोस्पेस ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी पैडिंग देने वाला हूँ, लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल्स और टॉप से और बॉटम से भी 5 पिक्सल्स, या फिर जो भी जिस हिसाब से आप पैडिंग वेडिंग आप चेक कर सकते हो, मतलब एक बार जब क्रिएट कर लोगे तो ये सब स्टाइलिंग पैडिंग वेडिंग तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो कि कैसा दिखने वाला है वो सारी चीज़ें। तो इसमें हम मार्जिन 0 पिक्सल की देने वाले हैं। अब यही बात हम अपने कोड बॉक्स में अप्लाई करेंगे। इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा डार्क ग्रे करने वाला, मतलब डार्क कलर रखने वाला हूँ ताकि जो हमारा कोड है वो अच्छे तरीके से दिखे। तो यहाँ पे 212121 मैं हैश कोड का यूज़ करने वाला हूँ, और कलर कोड के लिए मतलब जो टेक्स्ट का कलर होगा वो थोड़ा सा लाइट ग्रीन टाइप में होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें फॉन्ट साइज़ करना है ताकि अब इस फॉन्ट साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये जो फॉन्ट साइज़ है काफ़ी छोटा है तो उसको बढ़ा सकते हो। ओवरफ्लो एक्स आपको लिखना है स्क्रॉल पे, क्योंकि अगर आप जो भी अगर आप टेक्स्ट लिखते हो वो टेक्स्ट बड़ा हो जाता है आपके कोड बॉक्स से, तो आप वो स्क्रॉलेबल फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो इसी वजह से आपको ओवरफ्लो एक्स को स्क्रॉल पे सेट कर देना है। और यहाँ पे मार्जिन 0 कर दूंगा, और आई थिंक लगभग सब कुछ हो ही गया। और इसमें पैडिंग थोड़ा सा दे देते हैं टॉप और बॉटम से। तो जैसा आप पैडिंग लिखते हो, और यहाँ पे 10 पिक्सल्स की या 15 पिक्सल की पैडिंग मैं दे देता हूँ, और 0 यानी कि फर्स्ट पैडिंग जो होता है वो टॉप और बॉटम के लिए होता है, जो सेकेंड वाला होता है वो लेफ्ट और राइट के लिए होता है। तो लेफ्ट राइट मैंने 0 कर दिया, लेकिन टॉप बॉटम मैंने 10 पिक्सल दे दिया। तो आप देख सकते हो हमारा जो कोड बॉक्स है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब एक तरीके से हमारा कोड बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक अच्छा सा कोड पूरा हमें ऐड करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा कोड लेवल के अंदर मैं फॉन्ट वेट को थोड़ा बोल्ड कर दूंगा ताकि जो हमारा कोड है मतलब जो HTML कोड जो टाइटल है हमारा वो थोड़ा सा बोल्ड में दिखे, और बाकी सारा जो चीज़ है हमारा एज इट इज़ दिखेगा। और यहाँ पे क्या करना है, आपको अल्ट मतलब दबाना है अल्ट की, और यहाँ पे जस्ट क्लिक करते जाना है जैसे स्टार्टिंग में, और ये बहुत सारा एक आपका कर्सर बना देगा, फिर एक ही बार में सारा का सारा स्पेस दबाओगे तो सारा का सारा टेक्स्ट एक ही बार में स्पेस में आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि भाई ये जो हमारा आउटपुट है इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट देख के दिखा रहा हूँ आपको कि टेक्स्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे करोगे तो उसका लुक वाइज फिट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको अच्छा मैंने क्या सेव नहीं किया, ओके मैंने सेव नहीं किया था फिलहाल, तो ये हो गया मैंने सेव। और अब आप देखोगे कि जो मैंने टेक्स्ट एक्स जो ओवरफ्लो एक्स को स्क्रॉल पे सेट किया था, तो मतलब अगर आप देख सकते हो ये एक स्क्रॉलेबल मतलब मेरा बन गया कोड बॉक्स, ठीक है। तो ये एक स्क्रॉलेबल कोड बॉक्स और रिस्पॉन्सिव भी, ऐसा नहीं कि ये बाहर चला जाता है टेक्स्ट जो है कि कोड बॉक्स एरिया से, तो ये चीज़ नहीं होगा आपको। तो फिलहाल के लिए हम इस सारे कोड को हटाते हैं एक मतलब ओके। तो यहाँ पे हम अपना पूरा अपना कोड लिखने वाले हैं। तो
तो ये जो स्टाइल टैग का जो मेरा CSS कोड जो मैंने अप्लाई किया वही मैं पूरा इसमें आपको डाल के फिलहाल के लिए दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैंने प्री टैग के अंदर ये सारे पूरे टैग को डाला तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ मतलब एज ए HTML ये ले रहा है, ठीक है, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ ये साइन देख सकते हो, लेस देन के लिए आपको ampersand LT यूज़ करना है, ठीक है, ग्रेटर देन के लिए ampersand GT यूज़ करना है, ग्रेटर देन और इक्वल के लिए सिंबल्स के लिए ampersand GE यूज़ करना है। तो ये जो कुछ साइन है आपको स्प्री टैग के अंदर यूज़ करना है, लेकिन ये फिलहाल यहीं के लिए। अगर आप इसको ब्लॉगर पे यूज़ करोगे जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो उसको आप कैसे देख सकते हो, मतलब उसको आप कैसे चेंज करोगे, क्योंकि भाई अगर आप सबका ओपन टैग और क्लोजिंग टैग को चेंज करते रहोगे यानी कि ग्रेटर और लेस देन वाले टैग को तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन मैं ब्लॉगर में जो आपको बताऊँगा ट्रिक वो बहुत ईजी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने जहाँ चेंज किया टैग को ये कुछ इस तरीके से वाइट वाइट शो करने लगा, यानी कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो चुका है आप कम्प्लीटली। और ये जो आउटपुट मिलेगा आपको वहाँ पे ओपन और क्लोज टैग देखने को मिलेगा। तो ये जो कोड बॉक्स है मतलब एक प्री टैग के अंदर अपना ओपन टैग और क्लोज टैग को अवॉइड करने के लिए कि ये एज अ HTML के फॉर्मेट पर ना आए, मतलब एज्यूम करें, इस वजह से आपको इसका ampersand LT और GT का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी मैंने ओपन टैग क्लोजिंग टैग दिया है वो उसे अब एकदम अच्छे तरीके से विजिबल है हमारे कोड बॉक्स के अंदर। और आई थिंक मुझे लग रहा है यार कि इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो थोड़ा सा और इंक्रीज होना चाहिए, और इसके लिए 20 पिक्सल आई थिंक परफेक्ट होगा। तो आप 20 पिक्सल कर लेना ताकि जो टेक्स्ट साइज़ है वो बड़ा बड़ा थोड़ा दिखे और अच्छा भी लगेगा देखने में भी। तो अब हम बात करते हैं यार कि इस कोड बॉक्स को हम कैसे ब्लॉगर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट या फिर ब्लॉग है कोडिंग से रिलेटेड, आप वहाँ पे कोड सबमिट करते हो, मतलब दिखाते हो लोगों कि भाई ये कोड है इसके लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए लुक वाइज अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस कोड बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। और वहाँ पे जब इस कोड बॉक्स का यूज़ करोगे तो ये जो ओपन टैग क्लोजिंग टैग के लिए LT और GT जो कर रहे हो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा। इसलिए बस आपको HTML कोड को कॉपी पेस्ट करना है और वो जो हमारा जो प्री टैग है जो हमारा जो कोड बॉक्स है वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये हमारा जो एरिया है वो टेक्स्ट का एरिया है, और उसको एज इट इज कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपको शो करेगा आउटपुट में। तो वो काम आप कैसे करोगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल ये वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ इस वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाले वो जिसमें मैं आपको बताऊँगा इस कोड बॉक्स को किस तरीके से आप ब्लॉगर पे यूज़ कर सकते हो, और पूरा डिटेल में वो वीडियो होगी अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और जो भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।